दिसंबर 27, 2008 सुबह 11:30 बजे इसराइल एयरफोर्स के कुछ F-15 जेट्स ने गाजा स्ट्रिप पर अपना टारगेट सेट किया हुआ था। फाइटर जेट्स ने गाजा के सेंटर हिस्से में स्थित एक बड़े गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स को टारगेट बनाया, जहां हमास के इस अल दिन अल कासम ब्रिगेड के लोग पुलिस ग्रेजुएशन सेरेमनी में मौजूद थे। कुछ ही मिनट में फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर ने गाजा स्ट्रिप पर स्थित हमास के कमांड पोस्ट आर्मर ट्रेनिंग सेंटर पर एक के बाद एक 100 मैसिव बॉम्बिंग की, जिसमें 195 आतंकवादी मारे गए और 89 घायल हुए, और इसी से ऑपरेशन कास्ट लीड की शुरुआत हुई। इसराइल एयरफोर्स ने फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के टनल पर भी हमला किया। दरअसल फिलाडेल्फिया कॉरिडोर टनल गाजा और इजिप्ट के बीच की एक पतली सी स्ट्रिप है, जहां से हमास आराम से हथियार इलीगल तरीके से इजिप्ट द्वारा रिसीव करती है। एक न्यूज जर्नलिस्ट आमिर बोबत के दिए इंटरव्यू में इजरायली एयरफोर्स ब्रिगेडियर जनरल रैन पेकर रोमेन ने बताया कि इतनी भीड़ भाड़ी वाली जगह, जहां हॉस्पिटल्स और स्कूल थे, वहां किसी सिविलियंस को हानि पहुंचाए बिना एयर स्ट्राइक से हमारे ऑफिसर्स ने अपने टारगेट पर क्लियर शॉट लेकर दुश्मनों को मार गिराया। मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी भी एयरफोर्स में ऐसी बढ़िया काबिलियत होगी। हमास के आतंकवादी हजारों रॉकेट से इजरायली सिविलियंस को टारगेट कर रहे थे। इजरायली सिविलियंस के रेसिडेंशियल एरिया में हमला कर भय का माहौल बना रहे थे। लोग रोज डर की जिंदगी जीने में मजबूर थे। हमास द्वारा इस कायराना हमले का जवाब देने के लिए इजरायली पीएम इहूद ओलमर्ट ने ऑपरेशन कास्ट लीड को ऑपरेट करने का ऑर्डर इजरायली डिफेंस फोर्स को दिया। ऑपरेशन कास्ट लीड का ऑब्जेक्टिव था हमास मेंबर और इस्लामिक जिहादियों को मार गिराना, जिसमें हमास गवर्नमेंट के इंटीरियर मिनिस्टर सैयद सयाम और उसके भाई एयान सयाम के साथ हमास पॉलिटिकल विंग के लीडर निजार रेयान जैसे बड़े बड़े नाम शामिल थे। ऑपरेशन कास्ट लीड के पहले राउंड में इसराइल एयरफोर्स द्वारा हुई एयर स्ट्राइक में निजार रेयान मारा गया। उस वक्त निजार रेयान 18 लोगों के साथ अपने घर में था, जिसमें उसके करीबी रिश्तेदार भी थे। हमले से पहले इजरायली एयरफोर्स ने सभी लोगों को बिल्डिंग खाली करने की वार्निंग भी दी, लेकिन उसे बेतुका धमकी समझ किसी ने भी बिल्डिंग खाली ना की, और नतीजा हुआ कि आखिरकार सभी मारे गए। उस बिल्डिंग को एक्सप्लोड करने का मेन रीजन यह भी था कि उस बिल्डिंग में हमास के कमांड पोस्ट, कम्युनिकेशन सेंटर, वेपन और एम्युनिशन के लिए स्टोरेज फैसिलिटीज थे। न्यूज जर्नलिस्ट शुमेल हदत को दिए इंटरव्यू में साउदर्न डिस्ट्रिक्ट कमांड जनरल यूएफ गलांत ने बताया कि हर हमास कमांडर के घर 3 मंजिल के बने होते थे, जिसमें बेसमेंट लेवल को वेपन स्टोरेज की तरह यूज किया जाता था। सालों से वह यह मान रहे थे कि उनके बिल्डिंग को टारगेट नहीं किया जाएगा। हमारे फोर्सेज ने उनको वार्निंग भी दी टेलीफोन के जरिए, लेकिन उनके फैमिली मेंबर्स ने हमारी बात न मानी। हमने उन बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय किया जिसमें हमास के कमांड स्टेशन ऑफिसर, कम्युनिकेशन सेंटर और वेपन भी मौजूद थे। 3 जनवरी 2009 इजरायली डिफेंस फोर्स ने ऑपरेशन कास्ट लीड के सेकेंड स्टेज को लॉन्च किया। गाजा स्ट्रिप में प्रवेश कर चुकी इजरायल डिफेंस फोर्स का काम था टनल में छुपे हुए हमास टेररिस्ट को ढूंढ कर मारना। नॉर्थ गाजा में घुसते ही इजरायली फोर्सेज ने हमास आतंकवादियों के हमले को काउंटर किया और उसके सारे सुसाइड बॉम्बर्स को मार गिराकर सेकेंड स्टेज की शुरुआत हुई। गोलानी, गिवाती और पैराट्रूपर ब्रिगेडियर गाजा स्ट्रिप में अलग अलग दिशाओं में फैल गए। इजराइल डिफेंस फोर्स के इंजीनियर और मिनी रोबो की मदद से सभी घरों में लगे बॉबी ट्रैप्स को डिफ्यूज किया, परंतु इजराइल फोर्सेस को हर दफा सुसाइड बॉम्बर्स से निपटना ही पड़ता था। छह जनवरी 2009 इसराइल डिफेंस फोर्सेज ने अल फोरा स्कूल के बाहर 3 टेररिस्ट को मार गिराया। हमास ने इसराइल पर 730 रॉकेट दागे, लेकिन उनके रॉकेट लॉन्चिंग पोजीशन सिविल एरिया से थे। हमास के लीडर की यह कायराना सोच थी, फिलिस्तीन के रेसिडेंशियल एरिया से हमला कर इसराइल को उन रेसिडेंशियल एरिया पर हमला करने पर मजबूर कर रही थी। उनका प्लान था कि रिटेलिएशन में अगर इसराइल उन पर बॉम्बिंग करेगी तो सिविलियंस भी मारे जा सकते हैं, और उन्हीं फिलिस्तीन लोगों की लाश पर इंटरनेशनल मीडिया के सामने खुद को बेकसूर साबित कर इसराइल को जेनोसाइड मेकर कंट्री साबित करेंगे। इसका मतलब था कि वो फिलिस्तीन जनता को आड़ बनाकर युद्ध जीतना चाहती थी।
हमास के आतंकवादी स्कूल्स, हॉस्पिटल और मॉस्क से आईडीएफ पर हमला कर रहे थे। इसराइल डिफेंस फोर्स को रोकने के लिए जगह जगह पर ट्रैप्स भी बिछा रखा था। आईडीएफ ने ट्रैप्स को न्यूट्रलाइज किया और घरों में छिपकर हमला करने वाले आतंकियों को ढूंढ कर मारा। इसराइल डिफेंस फोर्स ने टैंक्स के सहारे उनके बिल्डिंग्स और पोजीशन को डिस्ट्रॉय किया। लगातार 22 दिनों तक लड़ाई चलती रही और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर एहुद ओलमर्ट ने ऑपरेशन कास्ट लीड को रोकने का ऑर्डर दिया। दुनिया के सामने टेररिज्म पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी प्रस्तुत कर अपने ताकत का पुनः परिचय करवाया। इस ऑपरेशन में इसराइल डिफेंस फोर्स के 10 सिपाही और 3 इजरायली सिविलियंस की मौत हुई। वहीं दूसरी तरफ हमास के 709 आतंकी परंतु 457 फिलिस्तीनी मारे गए। 15 सितंबर 2009 यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल द्वारा नियुक्त किए साउथ अफ्रीकन जज रिचर्ड गोल्डस्टन ने इसराइल को वॉर क्रिमिनल बताते हुए कहा कि इसराइल ने क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का काम किया है। परंतु इन बातों से इसराइल ने यूएन राइट काउंसिल की बातों को कोई तवज्जो नहीं दिया। नवंबर 2012 गाजा में स्थित मॉस्क और रेफ्यूजी कैंप पर ड्रोन से आईडीएफ आसपास के हिस्से का सर्विलेंस कर रही थी। ड्रोन के कैमरा की नजर एक गाड़ी पर गई जो ओमर मुख्तार की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। कैमरा ने स्कैन किया तो पता चला कि उस कार में हमास चीफ ऑफ स्टाफ अहमद जबारी था। अहमद जबारी जो 13 साल इसराइल की जेल में था और 1995 में रिहा हो चुका था। उसके बाद अहमद हमास का अहम सिपाही बना जो हमास के लिए फंड रेज और टेरर ऑपरेशन का प्रॉपर लेआउट बनाता था। हमास के लिए वेपन सप्लाई और इंटेलिजेंस इकट्ठा करके हमास का विश्वसनीय सिपाही बन चुका था। इसराइल में डजन से ज्यादा आतंकी हमले और कई सिविलियंस को किडनैप करके ज्यादा पैसे इकट्ठा अहमद कर चुका था। साल 2003 में अहमद को हमास का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया। पिछले 24 घंटों से आईडीएफ की पूरी नजर अहमद पर थी। इसराइल के शबाक सिक्योरिटी एजेंसी के एजेंट ने तेल अवीव में ऑपरेशन डायरेक्टर को फोन में बताया कि अहमद आज रात किसी के घर रहेगा। 14 नवंबर 2012 दोपहर के 4:15 बजे इसराइली एयरफोर्स स्क्वाड्रन 100 के एयरक्राफ्ट सर्वेलेंस रिपोर्ट अनुसार अहमद को रिसीव करने कुछ गाड़ियां आई थी। बिना वक्त गवाए तेल अवीव में हेड ऑफ शबाक सिक्योरिटी एजेंसी योरेन कोहेन, आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ बेनी गेंट्स और प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से अहमद को न्यूट्रलाइज करने की परमिशन मांगी। अहमद जबारी की गाड़ी अल मख्तार स्ट्रीट पहुंची। एयरफोर्स ऑपरेशन हेड अमिकम नॉर्किन के कमांड पर एयरफोर्स ड्रोन अहमद की गाड़ी के पास पहुंची। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से ड्रोन फायरिंग सिस्टम एक्टिवेट हुआ और इसी से 2 मिसाइल ने गाड़ी को हिट किया और बड़े से धमाके में गाड़ी के चिथड़े उड़ गए। आईडीएफ का मोस्ट वांटेड हमास का चीफ ऑफ स्टाफ अहमद जबारी मारा गया। अहमद जबारी की मौत के बाद हमास ने एक के बाद एक रॉकेट गाजा में स्थित ज्यूश रेसिडेंसी एरिया पर दागे, यहां तक आस्कदोन और असदोद सिटी पर भी हमला किया। इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इजरायली कैबिनेट में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, डिफेंस मिनिस्टर एहुद बराक, फॉरेन मिनिस्टर एवी डिचर ने एक सर्जिकल ऑपरेशन का फैसला किया जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस। इस ऑपरेशन की शुरुआत 14 नवंबर 2012 को हुई। ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस का फॉर्मेशन ऑपरेशन कास्ट लीड से मिला जुला था। इस बार टारगेट को परफेक्ट सेट करके इजरायली एयरफोर्स हमास के वेपन स्टोरेज फैसिलिटीज, ट्रेनिंग सेंटर और लॉन्चिंग पैड्स और कई अनेक साइट्स नष्ट किए। इस हमले से पहले मिली इंटेलिजेंस रिपोर्ट द्वारा आईडीएफ को पता चल गया था कि हमास इसराइल में ज्यादा आबादी वाले विस्तार पर हमला करेगा। एयर स्ट्राइक द्वारा आईडीएफ ने हमास के प्लान को काफी हद तक नाकाम कर दिया। एयर स्ट्राइक पर हमास ने जवाबी हमले में इसराइल के दक्षिण हिस्से पर 60 रॉकेट से ज्यादा हमले किए। 15 नवंबर 2012 ऑपरेशन के दूसरे दिन हमास ने जेरूसलेम और तेल अवीव पर हमला किया। सुबह 9:52
हमास के एक मिसाइल ने रेसिडेंशियल एरिया को निशाना बनाया जिसमें 3 इजरायली नागरिक मारे गए, उन 3 में से 2 बच्चे थे। उस वक्त हमास ने इसराइल पर मिसाइल द्वारा 300 से ज्यादा हमले किए। इसराइल पर एक्टिवेटेड आयरन डोम की वजह से 90% रॉकेट हवा में डीन्यूट्रलाइज हो गए और हजारों की जान भी बच गई। इसी हमले को काउंटर करते हुए इसराइल एयरफोर्स ने 450 टारगेट पर हमला किया जिसमें 70 रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स थे। इस युद्ध के आग में घी डालने का काम इजिप्ट और तुर्की ने किया। हमास के सपोर्ट में अपने मिलिट्री को डिप्लॉय करने की बात दोनों मुल्कों ने की। वहीं दूसरी तरफ यूएसए और यूरोपियन यूनियन के ज्यादातर लीडर्स इसराइल का खुले आम समर्थन कर रहे थे। यूएसए प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने हमास के द्वारा इसराइल के नागरिक पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। प्रेसिडेंट बराक ओबामा के दबाव में इजिप्ट ने इसराइल पर भड़काऊ स्टेटमेंट देने बंद कर दिए। इजिप्ट पीएम हिशम कांदिल गाजा स्ट्रिप में अपना दौरा किया और इसराइल ने सीज फायर कर दिया, लेकिन हिशम कांदिल के जाने के बाद हमास ने तेल अवीव और जेरूसलम पर हमला करके शांति को पुनः भंग किया। जवाबी हमले में इजरायली एयरफोर्स ने हमास मिनिस्टर इस्माइली हनिया की ऑफिस को तबाह किया, जबकि इस्माइल हनिया अपने आदमियों के साथ दूसरी जगह पर छिपा हुआ था। 20 नवंबर 2012 के बाद आपसी सहमति से फिलिस्तीन ने सारे आतंकी गतिविधियों को रोक दिया और इजरायली एयरफोर्स ने भी जवाबी हमले को रोक दिया। ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस में हमास के 120 आतंकी मारे गए, जबकि इसराइल पर 1500 रॉकेट्स का हमला हुआ था। बारह जून 2014 इसराइल के एक पुलिस ऑफिसर को फोन कॉल आया। इस फोन कॉल के बाद पूरे इसराइल डिफेंस फोर्स के होश उड़ने वाले थे। उस फोन कॉल में एक चिंतित पिता ने 3 लड़कों के किडनैप होने की बात कही, जिनका नाम इयाल इफ्राक उम्र 19 साल, गिलाद शार उम्र 17 साल और नफ्ताली फ्रैंकल उम्र 16 साल। उन दुखी पिताओं ने रोते हुए पुलिस से विनंती की कि कैसे भी करके उन 3 बच्चों को बचाया जाए। इस फोन कॉल के बाद फॉरन एक्शन में आकर पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। जल्द ही वेस्ट हेब्रोन में पुलिस को एक जली हुई कार के साथ कुछ ट्रेसेस मिले। पुलिस को यकीन हो चुका था कि इन गाड़ियों को जलाकर कुछ लोगों ने 3 बच्चों को दूसरी कार में बिठाकर ले गए हैं। वेस्ट बैंक में स्थित कुछ एजेंट्स के रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि इस किडनैपिंग के पीछे हमास का हाथ है। आईडीएफ ने हजार की तादाद में सैनिकों को वेस्ट बैंक डिप्लॉय किया। सैनिकों ने गांव शहर में से छानबीन कर कई सारे हमास मिलिटेंट को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की। इसराइल डिफेंस फोर्स ने इस ऑपरेशन का नाम शवेल लखीम रखा, जिसका मतलब था कम बैक ब्रदर्स। उन लड़कों की माताओं ने रेडियो और टीवी के जरिए रोते हुए किडनैपर से गुहार लगाई कि उनके बच्चों को छोड़ दें। यहां तक जेनेवा में स्थित यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भी मदद की गुहार लगाई। करीब 18 दिनों तक निरंतर उन 3 लड़कों की खोज जारी रखी। इसराइल इंटेलिजेंस ने 2 किडनैपर्स को पकड़कर उनसे पूछताछ की। जानकारी मिलते ही आईडीएफ सोल्जर एक घर में पहुंची जहां उन्होंने 3 बच्चों की लाश पाई। उन्हें बड़ी बेरहमी से मार दिया गया था। जहां उन बच्चों के परिवार के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, तो दूसरी तरफ कई सारे फिलिस्तीनी बेशर्मी से गलियों में नाच रहे थे, गा रहे थे, मौज कर रहे थे, उन 3 मासूम लड़कों की मौत का जश्न मना रहे थे। इतनी बेशर्मी से उन मासूम बच्चों की मौत का जश्न मना रहे फिलिस्तीनियन की इस गंदी हरकत पर दुनिया मौन थी। आईडीएफ के सोल्जर्स इन हथियारों को घसीटकर जेल ले गए। इस बात पर हमास ने गाजा स्ट्रिप पर रह रहे इजरायली नागरिकों पर रॉकेट से हमला करना शुरू कर दिया। सीज फायर का उल्लंघन भी हमास ने किया और बड़े तादाद में हमले जारी रखे। हमास की इन कायराना हरकतों से पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को बहुत गुस्सा आया। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हमास को उनके घर में घुसकर मारने का हुक्म आईडीएफ को जारी किया।
पीएम के ऑर्डर पर आईडीएफ हमास को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार थी और सिटी के बाहर रह रहे कई सिविलियंस को आश्वासन दिया कि उनकी लड़ाई आतंकवादी से है ना कि आम नागरिकों से। आईडीएफ के सोल्जर ने हमास के गढ़ में घुसकर चुन चुनकर आतंकियों को ठिकाने लगाना शुरू किया। इस अग्रेशन में हमास के आतंकवादी हजारों के तादाद में मारे गए। ये आंकड़ा बताते हैं कि इसराइल का गुस्सा आपे से बाहर था। इसराइल ने इस युद्ध को जीत तो लिया, लेकिन इस जीत की बहुत बड़ी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। करीब 67 इसराइली सोल्जर इस युद्ध में शहीद हुए। दूसरी तरफ 1600 से ज्यादा हमास के आतंकवादी मारे गए। इस लड़ाई का मुख्य नायक आईएम डोम था, जिसने हवा में ही 735 से ज्यादा रॉकेट्स को डिसेबल किया। आईएम डोम को सेंसिटिव रडार जैसा बनाया गया जो कंप्यूटर द्वारा चलता है। इसके साथ आईडीएफ ने तमीर एंटी मिसाइल की बैटरी को एक्टिवेट किया जो हवा में ही मिसाइल को नष्ट कर देता था। आयन डोम के रचयिते एक मरक्कन जू थे जिनका नाम था सर आमिर पोर्टेज, जिन्होंने कई सालों तक पैराट्रूपर्स यूनिट में अपनी सेवा प्रदान की। मिशन प्रोटेक्टिव एज में आईडीएफ ने अपने अपने अनुभव और साहस से हमास को धूल चटाया। इन सारे युद्ध में इसराइल के जीतने की वजह उनके आम नागरिक भी हैं, जिन्होंने अपनी सरकार और सेना पर भरोसा किया और कभी भी भय को खुद पर हावी न होने दिया। सतान मुस्लिम देश जो दावा करती है एकता की, लेकिन फिलिस्तीन में अपनी एक भी सेना को न भेजकर उन्होंने साफ साफ जाहिर कर दिया कि वो सिर्फ बातों के धनी है। इसराइल ने दुनिया को बताया कि दुश्मन की तादाद करोड़ों में क्यों ना हो, लेकिन अगर नागरिक अपने सेना और सरकार पर भरोसा करे तो किसी भी युद्ध को जीता जा सकता है। किसी भी देश की अनुभवी सेना की हिम्मत होती है उनके देशवासियों का विश्वास। साल बदले, परिस्थिति बदली, लेकिन नहीं बदला ग्रेट इसराइल का जज्बा। तो दोस्तों, यह कहानी है सालों से चल रही गाजा का संघर्ष जो आज भी जारी है। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए कहानी की तलाश में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।